उत्तर प्रदेश में आग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार हो रही आग की घटनाओं से जान माल का नुकसान हो रहा है। मेरठ में भी आग का कहर देखने को मिला। मामला सरधना क्षेत्र में एक बाजार की दुकानें अचानक ही आग के गोले में तब्दील हो गई। देर रात लगी इस आग ने आसपास की दुकानों को भी चपेट में ले लिया, जिससे बाजड़ा में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक आग ने लाखों का माल खाक कर दिया था। ये अशोक की लाट के पास में सरधना में आग की सूचना थी। इसमें चार दुकानें थी अस्थायी, टीन शेड की बनी हुई थी। उसमें से तीन दुकानें तो जूते चप्पलों की थी और एक दुकान रेडीमेड की थी, तो उसमें आग लगी हुई थी और आग इस समय पूरी तरह से बुझा ली गई है। कितना नुकसान हो चुका है, क्या मानते हैं? नहीं, नुकसान तो उनका करीब लाखों का है, नुकसान तो काफ़ी है। आग के कारण था? आग तो शायद शॉर्ट सर्किट से प्रतीत हो रही है। सर, किस कारण से आग लगी थी? नहीं, विद्युत शॉर्ट सर्किट से। वहीं फर्रुखाबाद के शहर कोतवाली क्षेत्र के लिंजगंज बाजार स्थित दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कैसे काबू पाया? जैसी ही सूचना फायर सर्विस को प्राप्त हुई है, एक मिनट के अंदर गाड़ी को रवाना कर दिया गया है और घटना स्थल पर आकर के आग को बुझाना शुरू कर दिया। इसी दौरान सादमपुर मंडी में खड़ी हुई बड़ी गाड़ी को सूचित किया गया, वो भी गाड़ी वहाँ से चल के आ गई, उसने आग बुझाना शुरू कर दिया। आग कंट्रोल में है, आग पूर्ण रूप से बुझ चुकी है। क्या कारण क्या बताया गया? कारण अभी कोई जानकारी नहीं है। मकान मालिक द्वारा अब अनिश्चितता प्रकट की जा रही है कि नई जानकारी के अनुसार से आग लगी है। दुकान एक तीन मंजिला इमारत में थी। आग से दुकानदार का लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि जनहानि की कोई सूचना नहीं है। बहरहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मेरठ से आदिल रहमान, फर्रुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।